पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ लड़ने के बजाय हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी और एमआईएम ये दोनों की मैच फिक्सिंग रही। असदुद्दीन उसे ओवैसी वहां गए जहां जहां पर सेकुलर वोट मुतहद थे उनको बांटने का काम किए, महाराष्ट्र में किए उनके बांटने का काम किए, यूपी में किए उनको बांटने का काम, हर जगह इनका एक ही काम रहा कि सेकुलर वोटों को डिवाइड करना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना। अब ये सारे चीजें खत्म होने और ये आपके जो चाल चले हैं प्यारे, आपके ये चाल ओल्ड सिटी की आवाम भी समझ चुकी, आपके अपने लोग भी इसके खिलाफ है, आपके अपने साथियां आपके ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी बीजेपी से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए आप जिस तरह से कर रहे हैं, इसका खुमियाजा आपको आने वाले वक्तों में अवाम बताएगी, हैदराबाद की भी अवाम। हम कांग्रेस पार्टी ही इस देश को आजाद कराने में, बड़े बड़े कंपनियों को लाने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी, इस कांग्रेस पार्टी ने लाखों आदमियों की कुर्बानी दी और इस देश को आजाद कराई। आप दोबारा मिलकर बीजेपी के साथ, दोबारा उद्योगपतियों के साथ, सरमायादारों के बेच रहे हैं इस देश को। इसलिए हम तमाम आवाम से, कर्नाटक आवाम, तमाम कर्नाटक की आवाम और तमाम आवाम से अपील करते हैं कि 24 की तैयारी यहाँ से शुरू कीजिए। 24 में सिर्फ और सिर्फ अमन और भाईचारगी का और तरक्की का दौर दौरा रहेगा और कांग्रेस पार्टी का झंडा दिल्ली पे लहराएगा।